नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बायोलॉजी में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए आपके लिए साइंस की न्यूमेरिकल की क्लास। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी साथी ग्रुप डी और एनटीपीसी या एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, कल हमने एक क्लास आपको प्रोवाइड की थी, आज क्लास नंबर 2 है दोस्तों। तो इसमें हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे थे दोस्तों, जो न्यूमेरिकल थे। तो अब हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम क्वेश्चन आपको इस पर कराएंगे। एक होता है फॉर्मूला क्यू बराबर एन ई, क्या क्यू बराबर एन ई, आप इन सभी को नोट करते हुए चलें, क्या आप इन सभी को नोट करते हुए चलें। क्यू क्या होता है दोस्तों, क्यू होता है यहाँ पर चार्ज, यानी कि आवेश बोलते हैं इसको, क्या चार्ज यानी कि आवेश। और दोस्तों ई क्या होता है, जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, क्या होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर 19। और एन यहाँ पर होता है क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो दोस्तों, ये फॉर्मूले आपको याद रख के चलने हैं। अब और इसे Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी, Q बराबर क्या होता है I इंटू टी। यहां से Q तो आपको पता ही है, I क्या हो जाएगा यानी करंट, हिंदी में धारा बोलते हैं करंट को, और T क्या हो जाएगा समय यानी कि टाइम। तो दोस्तों, ये सभी फॉर्मूला और इनको फिर आपको पता है इन्हीं से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। यहां से अगर चार्ज पूछे, क्यू पूछे तो क्यू निकाल सकते हैं, करंट पूछे तो हमको चार्ज और टाइम दिया हुआ होगा तो दोस्तों वो निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पियर की धारा खींची जाती है, परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। किसकी दोस्तों, क्यू की वैल्यू हमको निकालनी है, किसकी, क्यू की वैल्यू हमको निकालनी है। और हमको दिया क्या हुआ है, टाइम दिया हुआ है यानी कि टी कितना है 10 मिनट, कितना दिया हुआ है 10 मिनट। और दोस्तों इसमें आई दिया हुआ है कितना है, आई बराबर कितना दिया हुआ है 0.6 एम्पियर। अब हमको निकालना क्या है दोस्तों, क्यू निकालना है यहां पर, तो क्यू हम निकाल लेंगे दोस्तों। किस प्रकार से, हमको पता है कि Q बराबर क्या होता है I इंटू टी, Q बराबर क्या होता है I इंटू टी। अब दोस्तों ये 10 मिनट कितनी है 10 मिनट, इसको हम सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये 60 इसकी एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों, T जो टाइम होता है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है इसकी, और 6 एम्पियर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 से ये मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगा 36, एक दो जीरो है तो दो जीरो लगा देंगे, पॉइंट के बाद एक जीरो लगा देंगे, तो Q बराबर क्या हो जाएगा हमारा 360 कूलम, क्या हो जाएगा 360 कूलम, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको बस इस फॉर्मूले से ये सॉल्व करना था और आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप सॉल्व करें और वीडियो को शेयर कर दें, और लाइक नहीं की है तो लाइक भी कर दें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, 0.9 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है, सर्किट के माध्यम से बहने वाले आवेश, यानी कि दोस्तों इसमें भी हमसे क्यू ही पूछ रहा है यानी आवेश पूछ रहा है दोस्तों। अब इसमें धारा कितनी है, आई बराबर कितना दिया हुआ है 0.9 एम्पियर दोस्तों हमको धारा यानी करंट दी हुई है। अब दोस्तों टाइम भी दिया हुआ है कितना है, टी बराबर कितना है 2 मिनट, कितना है 2 मिनट। तो अब हम यहां पे लगा सकते हैं क्यू बराबर आई इंटू टी, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं दोस्तों। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई क्या है यहां पर 0.9 एम्पियर, टी कितने है 2 मिनट गुणा 60। जब दोस्तों इसका हम गुणा करेंगे तो 6 दुनी 12 और 12 में कितने होते हैं 108, कितने 108, और यहाँ पर एक जीरो है, ये जीरो लग जाएगी, पॉइंट के बाद कितनी संख्या एक, तो यहाँ पर पॉइंट, तो Q बराबर क्या हो जाएगा हमारा 108 कूलम, क्या हो जाएगा दोस्तों 108 कूलम। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों इसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप सॉल्व करें। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम होती है। कितनी? 300 कूलाम होती है। जब 0.5 एम्पियर का प्रवाह विद्युत बल के एक फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है तो समय ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब हमको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। क्या? टी, यानी कि समय हमको निकालना है। क्या? समय हमको दोस्तों निकालना है। अब यहाँ पर हमारे पास है क्या क्या चीज, वो सब चीज है दोस्तों हम नोट कर लेते हैं। जैसे Q बराबर कितना है, यहाँ पर चार्ज हमको बताया गया है 300 कूलाम। कितना है? 300 कूलाम। अब दोस्तों धारा दी हुई है, कितनी है धारा? तो I बराबर कितनी? 0.5 एम्पियर। तो अब हम यहाँ से T की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो Q बराबर I इंटू टी होता है, हमको पता ही है फॉर्मूला, इसी पे अभी दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो Q बराबर I इंटू टी होता है। तो अब Q की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 300, सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। और I की वैल्यू कितनी है? 0.5 एम्पियर। और T हमको निकालनी है। तो T बराबर क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा ये। तो 0.5 पॉइंट हटाकर जीरो यहाँ पर बढ़ गई, 5 से इसको काट देंगे तो 5 × 31 यानी कि 600 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ऑप्शन में हम देखें तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। कौन सा? ऑप्शन ए में बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। और सिंपल आपको फॉर्मूले याद हैं, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। ज्यादा घुमा कर नहीं पूछेगा आपसे, सिंपल फॉर्मूले पर ही आधारित होगा, बस आपको वैल्यू पुट करनी होगी। तो दोस्तों हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें जितने भी फॉर्मूले साइंस में बनते हैं दोस्तों, उन सभी को एक वीडियो में कवर करा देंगे। दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, 12 ओम के एक प्रतिरोध में 1.0 एम्पियर की स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध से एक मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा है। तो दोस्तों हमको यहाँ पर रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है, हमको यहाँ पर करंट भी दिया हुआ है। तो रेसिस्टेंस पर अभी हम ध्यान नहीं देते हैं, सिंपल हमसे पूछा क्या है पहले, तो हम ये देखेंगे। पूछा है हमसे आवेश, यानी कि क्यू की वैल्यू पूछी है। किसकी दोस्तों? क्यू की वैल्यू हमसे पूछी है आवेश की। करंट कितना दिया हुआ है? तो दोस्तों करंट हम देखते हैं क्वेश्चन में, तो कितना है? 1.0 एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर करंट दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है दोस्तों कितना? 1 मिनट। कितना टाइम दिया हुआ है? 1 मिनट। 1 मिनट। अब दोस्तों हमको सिंपल क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना है, कि क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाएंगे तो किस प्रकार से फॉर्मूला क्या है? क्यू बराबर आई इंटू टी। तो क्यू हमको निकालना है, तो क्यू बराबर आई कितना है? 1। टी कितना है? तो दोस्तों 1 मिनट। अब इसको सेकंड में बनाने के लिए इसमें हमको क्या करना होगा? 60 का गुणा, तो 60 सेकंड हो जाएगा ये। तो 60 का इसमें मल्टीप्लाई करें, क्यू बराबर क्या हो जाएगा ये हमारा? 60 कूलाम। 60 कूलाम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं, और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। और दोस्तों वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, 5 एम्पियर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। तो दोस्तों इसमें भी हमसे क्या पूछा है? विद्युत आवेश। और हमको करंट भी दिया हुआ है, हमको टाइम भी दिया हुआ है। कितना टाइम? तो दोस्तों टाइम दिया हुआ है 10 मिनट। कितना? 10 मिनट। और करंट कितना दिया हुआ दोस्तों? 5 एम्पियर, यानी 5 एम्पियर। अब Q बराबर हम सिंपल निकाल सकते हैं I इंटू टी। जब दोस्तों आप इनको प्रैक्टिस करें क्वेश्चनों की, तो आप फॉर्मूलों को यहाँ तो याद कर लें, यहाँ पर जब प्रैक्टिस करें तो सिंपल आपको ये लगाकर क्वेश्चन को फॉर्मूले को लिख लेना है, और आप सिंपल तरीके से आपको याद हो जाएंगे बस क्वेश्चनों को सॉल्व करते ही करते। बस हम आपको कराते चलेंगे और आप इनको एक बार और अपना नोट्स बनाते हुए चलें। तो दोस्तों अब यहाँ पर सिंपल हम लगाएंगे, तो I की वैल्यू कितनी होगी? 5। T की वैल्यू कितनी है? ये मिनट में, तो इसको सेकंड में बनाने के लिए क्या करेंगे? 60 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 600 सेकंड। कितना? और 600 का यहाँ पर कर देंगे हम गुणा, तो ये कितना हो जाए? 3000 कूलाम। कितना हो गया दोस्तों? 3000 कूलाम। यानी कि ऑप्शन कौन सी में दिया हुआ है? तो आप सबको दिख रहा होगा दोस्तों, ऑप्शन
ए में बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है, किसमें ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, ये टाइप आपका एक खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट टाइप आपको कल वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताएं और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।